नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग है ट्रू फीलिंग्स की। इस पर्सन की आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। सो हमारे पास तीन एंजल नंबर है। पहले मैं एंजल नंबर 1818, ये एंजल नंबर है मॉनिटरिंग गेंस का और एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स का, कार्मिक एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग का। दूसरे में हमारे पास एंजल नंबर 1313, ये एंजल नंबर है डिवाइन फैमिलिन एनर्जी का, ये कनेक्ट करता है डिवाइन फैमिलिन एनर्जी की, अवेकनिंग ऑफ डिवाइन फैमिलिन एनर्जी एंड द ट्रिनिटी यूनियन। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1212, ये एंजल नंबर है अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन मस्कुलिन एंड द एंजल ऑफ बैलेंस। सो आपके पास तीन एंजल नंबर हैं। आप इन तीनों एंजल में नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, उनमें से कोई एक ही एंजल नंबर चुनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले एंजल नंबर 1818 को चुना है, कि इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये जो पर्सन है, इनके साथ अभी आप एक सेपरेशन फेस में हैं। हो सकता है कि आप इस टाइम पे इस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन फेस में हो, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो, लेकिन इस टाइम पे सेपरेशन फेस चल रहा है। ये हो सकता है आप कम्युनिकेशन में हो, लेकिन ये पर्सन आपको खुल के अभी नहीं बताएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। देयर इज़ अ सेपरेशन फेस। दूसरी बात ये है कि इस पर्सन को आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है, यू नो, एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन एक पेज वाली एनर्जी में है, मतलब बहुत ही इमेच्योर हैं, बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हैं आपको लेकर, और साथ में वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे करना है। उनकी एनर्जी एकदम यंग लड़के लड़की वाली है, कि भले इस पर्सन की कितनी भी एज हो, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग है। सो ये जो पर्सन है आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, और सोचते रहते हैं आपके बारे में, लेकिन कैसे आपके पास आना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, इस बारे में ये पर्सन अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये कि इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है आपकी और इनकी, एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे गया है। दूसरी बात ये कि ये रिलेशनशिप इस टाइम पे एक रनर चेजर गेम की तरह चल रही है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इस पर्सन को चेस कर रहे हैं और ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जी चल रही है कि आप इनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन ये उसका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। इन्हें पता नहीं है कि रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है, तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये जो पर्सन है अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये प्यार डिज़र्व नहीं करता, इन्हें लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते। इनके मन में यही चलता रहता है कि आप इनसे बेटर पार्टनर डिज़र्व करती हो रिलेशनशिप में। दूसरी बात ये है, ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा डेस्टिनी बॉन्ड कनेक्शन लगता है। द फॉर्चून ऑफ व्हील्स मतलब डेस्टिनी कनेक्शन है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से डेस्टिनी ने जुड़ा हुआ कनेक्शन है। सो आपका इस पर्सन के साथ मिलना, सेपरेशन फेस पे जाना ऑलरेडी लिखा हुआ था। दूसरी बात ये है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हर्ट और पेनफुल एनर्जी है। ये पर्सन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई बहुत ही सोरोफुल सिचुएशन में रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट, एम्प्टीनेस, अलोननेस, सो ये सारे इनके प्रेजेंट इमोशंस हैं। मे बी ये पास्ट में इनके किसी के साथ ब्रेकअप हुआ तो इनका दिल टूटा हुआ है, कोई फैमिली इशूज़ हैं। सो इस टाइम पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में है और बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड फील कर रहे हैं, तो इनका अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है। इस पर्सन को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए आपको अपना हार्ट चक्र अवेकन करना पड़ेगा, हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करनी होगी, हार्ट चक्र को अवेकन करना होगा और इस तरीके और अपने आप को अनकंडीशनल लव वाली फ्रिक्वेंसी में लाना होगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी एक्सपेक्टेशंस में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये बहुत ही अलग किस्म के पर्सन है, आप जैसा इन्हें मैच्योर देखना चाहते हैं ये उस एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सो आपको अपने इस पर्सन को एक्सपेक्ट करना होगा। और दूसरी बात है, अपने अंदर से जो डर है, फेयर, अटैचमेंट्स,
इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, फियर, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तभी ये पर्सन आपके पास आएंगे। द पावर द इनलाइटन, तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डेस्टिनी कार्ड है, पावर है, ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी इस रिलेशनशिप के आने के बाद, ताकि आपका हार्ट चक्र खुल सके और आप बिना किसी बिलीफ सिस्टम के, मे बी कोई एंसेस्टर या रिलीजन बिलीफ सिस्टम, सारे चीज़ों को तोड़कर इनसे प्यार कर सकें, ऐसा ये कनेक्शन है। तीसरी बात है, यहाँ पे चैरॉयड कार्ड है, तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज नज़र आती हैं, यंग और यांग की एनर्जी। तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से एनर्जेटिक बैलेंस पे वर्क करता है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत सी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन ये आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक आपका एनर्जेटिक रिकॉन्सिलेशन नहीं होता, जब तक आपका हार्ट चक्र अवेकन नहीं होता और आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। सो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये स्पिरिचुअल वर्क करेंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, ये सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा, क्योंकि इस सेपरेशन फेस को एंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर और करेज चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1818 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है कि आपकी जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है उनके लिए पहला कार्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। मींस आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए इस टाइम पे, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहना है, गिव अप नहीं करना, चैलेंजेस आएंगे। दूसरा जो कार्ड है वो है गॉडेस काली, महाकाली। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप जिस रिलेशनशिप में है ना, वो डिवाइन रिलेशनशिप है, वो मैनिफेस्टेड बाय अ गॉडेस है। सो ये रिलेशनशिप एक ट्रू लव वाला रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ट्रूली लव करते हैं, लेकिन आपको इस 3D वर्ल्ड में दिखाई नहीं देगा। ये रिलेशनशिप आपको बहुत सारे लेसन सिखाएगा, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स है जो आपको इस रिलेशनशिप में सीखनी पड़ेंगे, और एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंटली एंड हो जाएगी और न्यू बिगनिंग होगी। तो वॉलकैनो कार्ड आया, मतलब कि इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, या फिर इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, बहुत सी ऐसी चेंजेस आएंगे जो आपकी फाउंडेशन को हिला के रख देंगे, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे चेंजेस आएंगे, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इमोशनली स्ट्रेसफुल ऐसी रिलेशनशिप रहेंगी। सो ये सारे चेंजेस इसलिए आएंगे ताकि आप अपने अंदर के डर का सामना कर सकें इस रिलेशनशिप में। फेसिंग द फियर्स, मतलब आपको अपने अंदर के डर को सामना करना पड़ेगा, अपने अंदर के शैडो सेल्फ का सामना करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। सेम इस पर्सन के लिए भी यही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन है, ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये आपके साथ मैरिज करें, एक रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन इस मैरिज के लिए इनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होगी। अगर कोई पेरेंट्स सिचुएशन है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी नहीं मान रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं इस रिलेशनशिप के बीच में, वो सारी चीज़ें हटेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। मतलब इस पर्सन के लिए भी चेंजेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, ये पर्सन की पूरी तरीके से पर्सनैलिटी बदल जाएगी। कुछ ऐसा होगा कि जब आप इनसे मिले तब ये कुछ और अब ये कुछ और होंगे, मतलब कुछ सालों बाद ये पूरी तरीके से इनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। सो इस टाइम पे इस पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट चल रहे हैं, द प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। नंबर 12 आया है, सो बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस रिलेशनशिप में जो अब हट भी रहे हैं। तो इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। सो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं, एक है एम्परर और किंग्स वाला। सो ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से शिफ्ट
होंगी, इनकी एनर्जी पूरी तरीके से बदलेंगे तब आपके पास वापस आएंगे। सो ये जो कार्ड है एक तरीके के डेथ और रीबर्थ दोनों में साइकिल्स में दिखाता है कि पहले ये पर्सन हो ऐसे रहे होंगे जो आपसे दूर भागते होंगे, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस जो गॉडेस की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हैं, इस चीज़ को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, मतलब पूरी चीज़ें एकदम से बदलेंगी, ऐसा होगा। तो ये पर्सन जब अपने पावरफुल पोजीशन में होंगे, यू नो, ये आपको फैमिली, ये पूरी तरह इमोशनली स्टेबल होंगे, मेंटली स्टेबल होंगे, फाइनेंशली स्टेबल होंगे, तब ये आपके पास आएंगे और इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, तब आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करेंगे। सो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप है, जिन्होंने 13-13 चुना है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशंस करते होंगे, तो ये उस तरीके के चेंजेस हैं। सो ये थी एंजल नंबर 13-13 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते जिन्होंने एंजल नंबर 12-12 को चुना है कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, ट्रूली क्या फील करते हैं। सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाले और पेज ऑफ सॉर्ड्स वाले। सो ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी में चल रहे हैं। ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, या फिर आप यूट्यूब पे हो तो वहाँ पे आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में घंटों घंटों या फिर पूरा दिन सोचते रहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ही और शी इज़ डीपली इंटरेस्टेड इन यू, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको, ये ज़्यादा फोकस अटेंशन पूरी तरीके से आपके अंदर है इस पर्सन की। और इस लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर हैं इस टाइम पे, इन्हें पता नहीं है कि कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको अपने दिल की बात बताएं, तो ये कम्युनिकेशन वाले में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं अभी। द होम कमिंग कार्ड, सो इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन होगी, हो सकता है आप सेपरेशन फेस में जाएं या चल रहा हो, सेपरेशन फेस ख़त्म हो और आप इनके साथ रियूनियन करें। सो ये घर वापस आना चाहते हैं आपके लिए, आप इन्हें घर की तरह नज़र आते हैं, ये होम कमिंग कार्ड है। सो ये जो पर्सन है आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको ये घर देखते हैं आपके अंदर, ये अपनी ट्रू फैमिली देखते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ को देखते हैं, या आप ही के साथ फैमिली चाहते हैं, तो ये घर वापस आना चाहते हैं, यानी कि आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो ये पर्सन मोमेंटम में आना चाहते हैं। ट्रिम्पेट कार्ड, ये विक्टोरियस कार्ड है, ये रिलेशनशिप विक्टोरियस जाएगा, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। द वेडिंग कार्ड, अगर आपके साथ शादी करना इनके लिए एक विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी जीत है कि हाँ आपकी शादी हो, तो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप विक्टोरियस की तरफ जाएगा। इस रिलेशनशिप में जो मेजर ऑब्स्टिकल्स है वो है एंसेस्टर स्पिरिट, यानी कि आपको अपने, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो DNA और ट्रांसजेनरेशन ट्रोमास वाली मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और एंसेस्टर स्पिरिट वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम एंड द एंसेस्टर स्पिरिट। सो इस रिलेशनशिप में जो मेन ऑब्स्टिकल्स है वो है फैमिली वूंड्स, पेरेंट्स की तरफ से ऑब्स्टिकल्स, मतलब आपका या इस पर्सन का इनर चाइल्ड वूंडेड है, बहुत ज़्यादा वूंडेड है, आपका भी वूंडेड हो सकता है और इस पर्सन का भी जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा वूंडेड है। आपके अंदर एंसेस्टर कर्माज हैं इस रिलेशनशिप में, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, एंसेस्टर कर्मास हैं, ट्रांसजनरेशन ट्रोमा कर्सिस हैं। सो ये बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी रुकावट है जिसे आपको हील करना होगा, आपको अपने DNA को हील करना होगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। सो यू डिज़र्व अ लव, मतलब इस रिलेशनशिप में आपको फोकस रखना है, मतलब फोकस रखिए तभी आपको इस रिलेशनशिप में जीत मिलेगी, क्योंकि ये विक्टोरियस रिलेशनशिप है। या तो आप इस पर्सन को लॉस्ट कर देंगे या फिर आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाएगी। सो इस रिलेशनशिप, ये हार और जीत की तरफ जाने वाला रिलेशनशिप है। अगर आपने अपने अंदर के DNA को हील कर दिया और इस एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ कर दिया, ये करने में आप कामयाब हो गए, तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो नहीं होगी, तो ये रिलेशनशिप हार और जीत की तरफ जाता है।
ये पूरा ऐसा रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन फोकस बनाए रखना है और विक्ट्री की तरफ जाना है। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन है और इसके अंदर आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी अगर आपने इन इन एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ कर दिया। सो ये पूरा रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर करेज पर डिपेंड करते हैं, आपके फोकस पर डिपेंड करते हैं। ब्रीथ फॉरेस्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, रिलैक्सेशन, डिटॉक्सिफिकेशन वर्क, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, तब इस पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट आएगा, तब ये आपके पास वापस आएंगे, इन ये इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि आपके पास वापस आए और आपसे शादी की बात करें। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 12 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।